हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस किस तरीके से मार्केट ने मोमेंटम किया। यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में हमने जो डिस्कस किया था एग्जैक्टली मार्केट ने वैसे ही बीएफ का यहाँ पे एग्जैक्टली सपोर्ट तो लिया, अपसाइड जाने की कोशिश किया, लेकिन आप देख सकते हैं इस ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट होता तो हम जरूर से अपसाइड के लिए देखते, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूअसली कंसोलिडेट कर रहा था फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बन रही थी गाइस इस तरीके की, ठीक है, इसका भी ब्रेकआउट होता तब भी हम लेके जा सकते थे, लेकिन यहाँ पे एक और डबल टॉप भी बन रहा था। मैं एक और चीज दिखा देता हूँ, थोड़ा सा स्लो हो रहा है गाइस, लेकिन डिटेल वीडियो होगा ये, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जैक्टली डबल टॉप बना है, यहाँ पे डाउनसाइड आया, डाउनसाइड आने के बाद इसका ब्रेकडाउन हुआ, जैसे एम पैटर्न बना और इसका ब्रेकडाउन हुआ, वन साइडेड मोमेंटम मिला। उसके बाद भी छोड़िए, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा तो यहाँ तक का जरूर से आप टारगेट ले सकते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फर्स्ट टारगेट रीच, सेकेंड टारगेट रीच, और यहीं पे जैसी बड़ा रेड कैंडल बनाने यहीं पे बाइंग आई और एक अपसाइड मोमेंटम मिला। होप आपने आज ट्रेड किया होगा, एक डिसेंस ऑफ प्रॉफिट जनरेट किया होगा। हाँ, आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी, मैंने निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट का बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे शो शॉट हमें दिख रहा था कि किस तरीके से मार्केट मोमेंटम करेगा, और यहाँ पे जो एनालिसिस किया था उसी तरीके से बिहेव कर रहा था, उस वजह से हमने यहाँ पे ट्रेड किया। हाँ, यहाँ पे प्रीमियम्स उतने अच्छे नहीं मिले, नो डाउट, लेकिन हमारी जहाँ पे श्योरिटी ज़्यादा बनती है, जहाँ पे अपना सेटअप बनता है, वहीं पे ट्रेड करना चाहिए जिससे कि आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है गाइस, ठीक है गाइस। सेंसेक्स का देख लेते हैं, सेंसेक्स तो एक साइडवेज मार्केट में फंस के रह गया गाइस। यहां पे आप देख सकते हैं, मैंने कहा भी था यहां पे सपोर्ट ले सकता है, एक हल्का सा यहाँ पे साइडवेज ही ओपन हुआ, होते ही नीचे आने की कोशिश, यहाँ पे सपोर्ट लेने लगा, अपसाइड लेके जाने की कोशिश किया, लेकिन रेजिस्टेंस लेते ही नीचे आने की कोशिश किया। यहाँ पे देख सकते हैं एक बाइंग था, गैप ओपन होने के बाद यहाँ पे एक बायस था, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब भी आएगा मार्केट तो यहाँ पे बायर जरूर से रहेंगे, तो उस वजह से यहाँ पे कंसोलिडेट करते हुए मार्केट रह गया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते फिर निफ्टी में आज एक्सपायरी थी, यहाँ पे पूरी तरीके से एक साइडवेज मार्केट था। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे एक साइडवेज ओपन हुआ, अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे दो ग्रीन कैंडल तो बने थे, लेकिन ऑलरेडी हमने आपको बताया था जहां पे भी आपको फेवरेबल सेटअप मिलेगा वहां पे ट्रेड कीजिए। आज यहाँ पे एक्सपायरी थी, नो डाउट यहाँ पे हमारा सेटअप नहीं बन रहा था, उस वजह से यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं ले पाया। हाँ, आप कहेंगे कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो आप अपसाइड में दो ग्रीन कैंडल बन चुके थे, लेकिन यहाँ पे अगर इतना ही ज्यादा बायर्स डोमिनेंट होते ना गाइस, यहाँ पे फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, तीन तीन बार यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी टेस्ट कर चुका था और अपसाइड जाना है तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए था मार्केट को, और नहीं रुकते हुए अगर अपसाइड जाने लगता तब यहां पे एक आइडियल बाइंग बनती, वरना यहां पे कोई ट्रेड नहीं बनता, और एग्जैक्टली वैसी हुआ यहां पे, एक साइडवेज मार्केट की तरह बिहेव किया मार्केट ने, ठीक है। निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं गाइस, निफ्टी में भी एक बढ़िया सा जो हमने एक्सपेक्ट किया था उस तरीके से तो मोमेंटम नहीं किया, लेकिन फिर भी यहां पे मैं एक चीज दिखा देता हूं आपको। यहां पे जैसी ट्रेंड लाइन में एग्जैक्टली सपोर्ट लिया, अपसाइड जाने की कोशिश, यहां पे सपोर्ट लिया, अपसाइड जा रहा था, लेकिन एक और मेजर चीज थी यहां पे जैसी ब्रेकआउट हुआ गाइस, यहां पे अगर आपने कंसिडर भी किया होगा तब भी यहाँ पे रेजिस्टेंस आ गया, जैसे ही नीचे आया ये रेजिस्टेंस की तरफ वर्क करेगा, यहां तक तो सपोर्टिंग की तरफ वर्क कर रहा था, ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, वन साइडेड डाउन साइड मोमेंटम आया, ठीक है। यहाँ पे क्यू बाइंग आया था, मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको समझाया गया, जब भी गैप ओपन होता है और जहां से भी बायर डाउन साइड से यहां से बायर्स आए हैं तो याद रखिए जो भी प्रीवियस स्विंग होगा वहां से बायर जरूर से एक और बार आने की कोशिश करेंगे, और एग्जैक्टली उसी एरिया से बायर फिर से डोमिनेंट हुए और थोड़ा सा अपसाइड लेके आने की कोशिश की। एक तरीके से साइडवेज मार्केट ही निफ्टी फिफ्टी में भी हमको देखने मिला। बैंक निफ्टी में देखते हैं गाइस, बैंक निफ्टी में भी एक साइडवेज मार्केट की तरफ बिहेव किया है, यहां पे देख सकते हैं हमने कहा भी था यहां पे एक सपोर्टिंग जोन की तरह एक्ट करेगा, एग्जैक्टली सपोर्टिंग जोन की तरह एक्ट किया, अपसाइड गया धीरे 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 अपसाइड, यहां पे एक ब्रेकआउट देने की कोशिश किया लेकिन ये फॉल्स ब्रेकआउट हुआ और यहां पे डाउनसाइड आया, ये रेजिस्टेंस की तरफ वर्क करना चाहिए था, एग्जैक्टली क्या यहां पे मैंने आपको बताया भी था यहां पे एक बाइंग जोन है और एग्जैक्टली बाइंग जोन की तरह एक साइडवेज मार्केट की तरह आज मार्केट ने बिहेव किया। होप आपको छोटे छोटे पॉइंट समझ रहे, मैं थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम में सबसे पहले लेके जाने की कोशिश करूंगा क्योंकि हमने जो डिस्कस किया था उसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में यहां पे समझेंगे, ठीक है।
यहाँ पे साइडवेज मार्केट आपको देखने मिल सकता है, ठीक है गाइस। यहाँ पे साइडवेज था, यहाँ पे जैसे ही इस कैंडल का ब्रेकआउट हुआ ना गाइस, इस ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट हो चुका है, ये ग्रीन कैंडल ने कर दिया था, इट मीन्स यहाँ पे बायर को बहुत ज्यादा पोटेंशियल था और अपसाइड मोमेंटम गया। और आज एक रेड कैंडल बना है, नो डाउट गाइस एक साइडवेज मार्केट था, लेकिन अब तो मुझे पोटेंशियल लग रहा है कि अपसाइड मार्केट जा सकता है, तो थोड़ा सा कॉन्शियसली ट्रेड करेंगे। और निफ्टी फिफ्टी डोमिनेंट करता है हमेशा, आप जानते हैं हर एक चीज को, तो हो सकता है कि एक अपसाइड मार्केट है। बैंक निफ्टी तो एक साइडवेज मार्केट की तरह ही बिहेव कर रहा है, तो उसमें कोई यहाँ पे उतना ज्यादा कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सेंसेक्स में भी एक ब्रेकआउट हुआ है, एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम करने की कोशिश कर रहा है। एक छोटा सा न्यूज गाइस और मार्केट नीचे आ सकता है, तो थोड़ा सा कॉन्शियसली ट्रेड कीजिए गाइस। अगर आपके कोई भी स्टॉक्स भी है तो थोड़ा सा संभाल के उनको, अगर अच्छा खासा प्रॉफिट है तो ट्रेल कर लीजिए। और जब भी मार्केट गिरने की सिनारियो या फिर बैड न्यूज आ जाती है तो थोड़ा सा सेल कर लेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा मार्केट करेक्ट होने की मैं आशा कर रहा हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ कि सब लोग कह रहे हैं बुलिश बुलिश अपसाइड जाएगा, लेकिन कितना ही बुलिश रहेगा गाइस, गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे पेंडिंग है गैप्स, तो थोड़ा सा साइडवेज मार्केट होते हुए डाउन साइड आ सकता है, थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है। इट मीन्स मैं ये नहीं कह रहा कि गिर जाएगा, क्रैश हो जाएगा, थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है, जिस वजह से स्टॉक्स गिरेंगे, जो प्रॉफिट आपको मिल रहा है थोड़ा सा बुक कर लेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। फिर जब डाउनसाइड आ जाएगा उसके बाद फिर से आप बाय कर सकते हैं, जिससे कि आपका प्रॉफिट लॉक हो जाएगा गाइस, ठीक है गाइस। होप आपको छोटे छोटे पॉइंट समझ रहे हैं गाइस। चलिए गाइस, कल कहां पे मार्केट मोमेंटम कर सकता है, कैसे आप ट्रेड करेंगे और क्या वहां पे आपको एक जैकपॉट मिल सकता है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं गाइस। तो चलिए गाइस, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में चलते हैं। यहां पे 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम में स्विच कर चुके हैं हम, तो यहां पे सबसे पहले फिन निफ्टी का एनालिसिस आज छोड़ देते हैं गाइस, क्योंकि आज ही एक एक्सपायरी हो चुकी है, थोड़ी देर में करेंगे उसकी भी एनालिसिस, पर सबसे पहले निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी की देख लेते हैं, ठीक है गाइस। यहाँ पे देख सकते हैं एक मेजर सपोर्टिंग एरिया की तरह यहाँ पे वर्क करेगा गाइस, तो इसको एज अ सपोर्टिंग एरिया की तरह हम मान सकते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी फर्स्ट सेकेंड दो टाइम टेस्ट कर चुका है, तो इसकी बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे फिर से सपोर्ट लेगा। अगर सपोर्ट भी लेगा तो ब्रेकडाउन करने की बहुत हाई पॉसिबिलिटी है गाइस, ठीक है गाइस। तो थोड़ा सा इसे शिफ्ट कर लेते हैं गाइस डाउन साइड में फिर से, ओके गाइस। यहाँ पे सबसे पहले अगर डाउन साइड आने की कोशिश करेगा, इसकी हाई प्रोबेबिलिटी नहीं है, अगर डाउन साइड आ जाता है कोई न्यूज बैड न्यूज, तो ये इमीडिएट फर्स्ट टारगेट हो जाएगा, ये इमीडिएट सेकेंड टारगेट हो जाएगा, और ये थर्ड एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट आप जरूर से लेके जा सकते हैं गाइस, ठीक है गाइस। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया की तरफ बिहेव करेगा, अगर ब्रेकआउट करता है ये फर्स्ट इमीडिएट टारगेट होना चाहिए, ये सेकंड इमीडिएट टारगेट होगा, यहां से यहां तक का नो ट्रेडिंग जोन की तरह आप मान सकते हैं, या फिर ट्रेल करते हुए चल सकते हैं गाइस, ठीक है। ये थर्ड एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट आप लेके जा सकते हैं गाइस, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं बैंक निफ्टी में गाइस। बैंक निफ्टी में एक बढ़िया सा मोमेंटम हमने कैप्चर किया है, यहाँ पे देख सकते हैं क्यों बढ़िया मोमेंटम कैप्चर मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बार बार एक साइडवेज मार्केट की तरफ बिहेव किया है, तो कल एक एक्सपायरी भी है बैंक निफ्टी की, और एक बढ़िया सा मोमेंटम हम कैप्चर भी कर सकते हैं यहाँ पे, तो उस वजह से मैं कह रहा हूँ एक बढ़िया सी मोमेंटम हम कैप्चर कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ट्रेंडलाइन बन रही है ऑलरेडी, यहाँ पे अगर इस का हाई का ब्रेकआउट हो जाता है ना गाइस, तो एक बढ़िया सा अपसाइड मोमेंटम हमको फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट और थोड़ा सा ट्रेल करते हुए चलिए गाइस। इसका कोई भी स्पेसिफिक अपसाइड मोमेंटम में कोई भी टारगेट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक बढ़िया सा मोमेंटम दे रहा है उस वजह से, ठीक है गाइस। अगर डाउन साइड आता है रेजिस्टेंस लेना स्टार्ट कर दे, ये फर्स्ट इमीडिएट टारगेट हो जाएगा, ये सेकंड इमीडिएट टारगेट और ये थर्ड एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट आप लेके जा सकते हैं डाउन साइड के लिए गाइस, ठीक है गाइस। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में चलते हैं गाइस। यहाँ पे तो एक बढ़िया सा मोमेंटम हमने कैप्चर किया ऑलरेडी आज के दिन, यहां पे देख सकते हैं ऑलरेडी यहां पे एक सपोर्टिंग जोन की तरह एक्ट करेगा मार्केट सबसे पहले, ठीक है। यहां पे भी कर सकता है, नो डाउट गाइस यहीं से करना चाहिए हमेशा, लेकिन ठीक है गाइस, ओके वहां पे नहीं रखते हैं, यहीं पे रखते हैं, ठीक है गाइस। ये एक मेजर सपोर्टिंग एरिया है, तो सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा गाइस, आज का जो भी ये स्विंग है इसके ऊपर ब्रेकआउट होता है ना, तब भी यहाँ पे बहुत सारे रेजिस्टेंस, ये फर्स्ट टारगेट, ये सेकंड टारगेट हो जाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा सा ट्रेड करते हुए देखिएगा गाइस। ये तीन टारगेट आप अपसाइड के लिए जरूर से लेके जा सकते हैं, अगर डाउन साइड आता है यहाँ पे गैप डाउन ओपन होते हुए या फिर कुछ भी, तो ये इमीडिएट फर्स्ट टारगेट, ये सेकंड टारगेट हो जाएगा, और थोड़ा सा और भी लेके जा सकते हैं, वो डिपेंड
करता है, ट्रेल करते हुए जरूर से चलिएगा इस ठीक है। सेंसेक्स में चलते हैं, सेंसेक्स में एक बढ़िया सा मोमेंटम ऑलरेडी यहाँ पे हमने जो डिस्कस किया था, यहाँ पे एक बायर जोन है तो सबसे पहले इसका ब्रेकडाउन होगा या फिर यहाँ पे कहीं पे इसका ब्रेकआउट हो जाता है इस एरिया का ठीक है। इस एरिया का ब्रेकआउट होते ही ये फर्स्ट इमीडिएट टारगेट हो जाएगा, ये सेकेंड इमीडिएट टारगेट हो जाएगा और ये थर्ड एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट आप जरूर से लेके जा सकते हैं गाइस ठीक है। अगर डाउन साइड आने लगे या फिर गैप डाउन ओपन हो रेजिस्टेंस लेगा ये फर्स्ट इमीडिएट टारगेट होगा। यहाँ पे थोड़ा सा बायस आ सकता है क्योंकि गैप ओपन हुआ है तो यहाँ पे बायर डोमिनेंसी रहेगी, तो थोड़ा सा ध्यान से ट्रीट कीजिएगा इस, वरना यहाँ पे डाउन साइड आता है सेकेंड टारगेट और ये थर्ड एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट आप यहाँ तक के लिए जरूर से लिख के जा सकते हैं गाइस ठीक है। तो होप आपको छोटे छोटे पॉइंट समझोगे। फिर निफ्टी में चलते हैं गाइस, यहाँ पे किस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं कल के लिए। यहाँ पे एक सपोर्टिंग एरिया की तरफ बिहेव कर रहा है यहाँ पे ठीक है गाइस। ऑलरेडी यहाँ पे इसी का ब्रेकआउट होगा तभी ध्यान दीजिएगा गाइस ठीक है गाइस, वरना एक फेवरेबल सेटअप नहीं बनेगा इसका ठीक है। इसका ब्रेकआउट होने के बाद फर्स्ट इमीडिएट टारगेट यहाँ तक का, सेकेंड इमीडिएट टारगेट और ये थर्ड इमीडिएट टारगेट, यहाँ पे थोड़े से कम चांस है लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिएगा, वहां पे हो सकता है कि एक बढ़िया मोमेंटम है। यहां पे रेजिस्टेंस लेने के बाद फर्स्ट इमीडिएट टारगेट, सेकंड इमीडिएट टारगेट और ये थर्ड एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट होगा ठीक है। होप आपको छोटे छोटे पॉइंट समझे जो मैं डिटेल में समझाता हूं। अगर कोई भी डाउट होगा प्लीज कमेंट करके जरूर से बताइए। होप आपको वीडियो अच्छा लगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।